जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आज प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में अगस्त माह में होने वाले शुभ अशुभ योग कौन कौन से हैं, कब रहेंगे, सही जानकारी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की। देखिए, वैसे चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, ये ऐसे योग होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। इन योगों का उपयोग करके आप कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं। छोटे मोटे कार्य जो आप डेली रूटीन में करते हैं उनको शुभ समय में करेंगे तो ये आपको अच्छा फल देंगे। तो सर्वार्थ सिद्धि योग अगस्त माह में रहेगा 7 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग मतलब रात्रि 1:44 से लेकर 7 अगस्त के सूर्य उदय तक। फिर इसके बाद 9 अगस्त को रहेगा, ये भी रात को ही होगा, 1:32 से लेकर 10 अगस्त के सूर्य उदय तक। फिर इसके बाद 14 अगस्त को सुबह 11:07 से लेकर 15 अगस्त के सूर्य उदय तक। फिर इसके बाद 15 अगस्त को दोपहर 1:59 से लेकर 16 अगस्त के सूर्य उदय तक। फिर 18 अगस्त को सूर्य उदय से लेकर 18 अगस्त के रात को 10:57 तक। फिर 20 अगस्त को सूर्य उदय से लेकर 21 अगस्त को सुबह 4:22 तक। फिर इसके बाद 24 अगस्त को सुबह 9:04 से लेकर 25 अगस्त के 9:14 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद रहेगा 27 अगस्त को सूर्य उदय से लेकर 27 अगस्त के मॉर्निंग में 7:16 तक। फिर 28 अगस्त को सुबह 5:15 से लेकर 28 अगस्त के सूर्य उदय तक। फिर 29 अगस्त को मध्य रात्रि अर्थात 12 के बाद 29 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग सुबह 2:43 से लेकर 29 अगस्त के सूर्य उदय तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं अमृत सिद्धि योग की। अमृत सिद्धि योग रहेगा 20 अगस्त को सूर्य उदय से लेकर 21 अगस्त के सुबह 4:22 तक। इस महीने में केवल एक ही बार अमृत सिद्धि योग बन रहा है और अमृत सिद्धि योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो फिर इसके बाद रवि योग 7 अगस्त को बन रहा है। रवि योग सुबह 1:44 से लेकर 8 अगस्त के सुबह 1:16 तक। फिर इसके बाद 20 अगस्त को सुबह 1:48 से लेकर 21 अगस्त को सुबह 4:22 तक। फिर इसके बाद 22 अगस्त को सुबह 6:32 से लेकर 23 अगस्त के सुबह 8:08 तक। फिर इसके बाद 25 अगस्त को रहेगा 9:14 से लेकर 27 अगस्त के सुबह 7:16 तक। फिर 39 अगस्त को सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:43 से लेकर 29 अगस्त के रात को 11:50 तक रहेगा रवि योग। अब त्रिपुष्कर योग की बात करते हैं। त्रिपुष्कर योग ऐसा योग होता है जिसमें 3 गुना अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो 28 अगस्त को बन रहा है इस बार त्रिपुष्कर योग, और ये योग बन रहा है सुबह 28 अगस्त को सुबह 5:15 से लेकर 28 अगस्त के सूर्य उदय तक। तो मॉर्निंग में 1.5 घंटे का समय त्रिपुष्कर योग रहेगा। फिर इसके बाद यम घंटक योग ऐसा योग है जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। ऐसे योगों में केवल और केवल पूजा पाठ आदि करने चाहिए, और ज्वालामुखी योग भी इस बार 2 बार बन रहा है। तो यम घंटक योग इस बार 20 अगस्त को बन रहा है 1:48 सुबह से लेकर 20 अगस्त के सूर्य उदय तक। तो रात्रि में ये निकल जाएगा तो ज़्यादा समस्या नहीं है। और ज्वालामुखी योग इस बार बन रहे हैं 9 अगस्त और 10 अगस्त को। देखिए, ज्वालामुखी योग के बारे में हमेशा से बताया गया है और एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड किया गया है कि ज्वालामुखी योग में क्या कार्य करने चाहिए। ज्वालामुखी योग बहुत भयंकर योग होता है जिसमें शुभ कार्य तो नहीं किए जाते, पूजा पाठ आदि किए जाते हैं, तांत्रिक उपाय इसमें किए जाते हैं। तो ज्वालामुखी योग 9 अगस्त को सुबह 1:32 से लेकर 9 अगस्त के सुबह ही 3:30
53 मिनट तक रहेगा। फिर उसके बाद 10 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग 2:29 अर्थात 9 तारीख खत्म होने के बाद रात को 12 बजे के बाद 2:29 से लेकर 10 अगस्त को ही सुबह 4:12, तो ये भी 2-2.5 घंटे का ही समय रहेगा और ये दोनों ही समय रात्रि में ही निकल जाएंगे, तो ज़्यादा विशेष इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रात्रि को अगर आप कर सकें, कोई साधना करना चाहें, तंत्र साधना करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। तंत्र साधनाएं इसमें सिद्ध होती हैं। तो ये सारी जानकारी अगस्त माह में होने वाले शुभ अशुभ योगों के बारे में। और यहाँ पर ये देखिए, मकान शुरू, वैसे तो इन 4 महीनों में मकान का मुहूर्त भी नहीं किया जाएगा, शादी विवाह के कार्य नहीं किए जाएंगे, वाहन खरीदने का और ये सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत इमरजेंसी होती है कि अब ऐसे में क्या किया जाए, तो इन योगों का आप उपयोग कर सकते हैं। इन योगों का ध्यान रखते हुए आप अपने निजी कार्य कर सकते हैं। तो